पहले आप जब हम आए थे तो यहाँ पे चारों तरफ जाम लगा हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आप देखिए किस प्रकार मैनेजमेंट धीरे धीरे सही हो रही है। उधर रोका जा रहा है, उधर रोका जा रहा है। प्रशासन खड़ी है, उसके बाद भी लोग गलती करते हैं। इधर आइए। अच्छा क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? अरे भैया कुछ नहीं कर रहे, क्या ऐसे कर रहे हैं? कौन ड्राइविंग लाइसेंस कौन दे देता है? अब आइए थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। काहे जाम लगवा रहे हैं? साइड हटिए। काहे जाम लगवा रहे हैं? देखिए इधर से इनको भी खोल दिया गया है, उनको भी खोल दिया गया है। लोग आपस में टकराएंगे और जाम होना तय है। अब आप ही बताइए, इधर दिखाइए, उधर भी आने को बोल दिया गया, इधर से भी जाने को बोल दिया, तो जाम इसीलिए लगता है। ये देखिए इसको, ये लड़का हीरो बना जा रहा है। हम अभी मौजूद है पासवान चौक पे। यहाँ पे जाम लगा रहता है, और जाम क्यों लगा रहता है ये हम लोग देखने के लिए ही रुके थे। देख सकते हैं प्रशासन के खड़े होने के बावजूद लोग मनमानी करते हैं और प्रशासन से ये हैंडल नहीं हो पाता है। प्रशासन के तीन तीन चार चार जवान खड़े हैं, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन ना उनसे ट्रक रुक रही है, ना उनसे बाइक वाले रुक रहे हैं, ना उनसे आम लोग रुक रहे हैं। वन विभाग के गाड़ी लेकर एक साहब आए और बिना लाइट और बिना इंडिकेटर दिए वो इधर घुसा दिए। हम प्रशासन के लोग से जानेंगे अभी, वो जाम इधर आ जाइए हमारे साथ। इधर कुछ लोग रुके हुए हैं और ट्रक वाले भी बहुत मनमानी करते हैं। इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा ट्रक वाले मनमानी भी करते रहते हैं क्या? है? ट्रक वाले मनमानी भी करते रहते हैं? करते हैं। तो आप लोग रोकते नहीं है? रोकते हैं, लेकिन वो ट्रक के आगे जाएंगे तो चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि इतना जब बना हुआ है, गांधी सेतु को दो लेन कर दिया गया, उसके बाद भी जाम क्यों लगता है? चारों तरफ के गाड़ी जो मेन चौराहा है ना टाउन का। इधर देखिए, इधर देखिए ऑटो वाले भी आ रहे हैं, बाइक वाले भी आ रहे हैं। आप लोगों के रहते भी लोग बात नहीं। अब ये देखिए ये यहाँ पे खड़े हैं, ना उधर खड़े हैं ना उधर जा रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। क्या करे, मारपीट करे? मारपीट नहीं कीजिए, सख्त बनिए कि ताकि आपसे लोग रुके। पूरा यहाँ से रामसीस चौक से पीछे तक जाम लगा हुआ है। यहाँ ट्रक है और उधर बस है। अब जो छोटी गाड़ियाँ होंगी वो इनके पीछे ही रहेंगी, जो मोटरसाइकिल्स होंगी बाइसाइकिल्स होंगे उन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उनको भी जो है इनके पीछे ही खड़ा रहना है। अब इधर देखिए, अब आइए थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। काहे जाम लगवा रहे हैं? साइड हटिए। काहे जाम लगवा रहे हैं भैया? काहे जाम लगवा रहे हैं? मतलब उधर की लेन खुली हुई है और ये घुसा दिए, इधर की लेन खुली हुई है और ये लोग घुसा दिए, पूरा जाम लगवा कर रखे रहते। और पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे कुछ सख्त चाहिए जिनसे ये सब कंट्रोल हो सके। ये लोग खड़े हैं, उसके बाद भी जहाँ हाथ देते हैं रुकने के लिए वहाँ पे जो है गाड़ियाँ आती जाती रहती है, रुकती नहीं है गाड़ियाँ इनसे। और ये हाथ देते हैं इधर से रुकने के लिए तो उधर की गाड़ी आ जाती है, जब तक इधर आ जाओ, जब तक पुलिस वाले नज़दीक नहीं पहुँच जाते तब तक। अभी हम और देख रहे हैं, अभी देखिए इधर की लेन की गाड़ियाँ आ रही है और इधर के लोग आ गए हैं और उधर की लेन को अभी रोका गया है। उधर का जब चालू किया जाएगा तो ये सब देखिए इन लोगों को रौंद दिया जाएगा, तो कहेंगे कि प्रशासन गलती कर रही है। लेकिन इन लोगों को भी गलती कम नहीं है। और हम पूछना चाहेंगे DTO साहब से कि इन लोगों का जो है लाइसेंस कौन जारी कर देता है, लाइसेंस कौन जारी कर देता है कि इन्हें नियम का पता नहीं होता है। एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, उसे भी रोक दिया जाता है। एम्बुलेंस को प्राथमिकता कैसे दिया जाता है जब सारी गाड़ियाँ बस और ट्रक एक साइड रहती, और एम्बुलेंस अगर कहीं फंसा रहता पता होता है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले जो साइड से निकलवाए, लेकिन दोनों साइड ट्रक वाले रहेंगे तो कहाँ से निकलेंगे। और ये जो मोटरसाइकिल साइकिल वाले ये बीच में फंस कर रह जाते हैं। अगर एक साइड बड़ी गाड़ियाँ को कर दी जाएगी तो जो छोटी गाड़ियाँ है, जो मोटरसाइकिल है, जो कार्स है, तो उनको निकलने में आसानी होगी। अब दोनों अगर इधर से दो ट्रक आ रही है, दोनों ट्रक को इधर जाना होगा, और इधर का लेन अगर खुलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, पीछे वाले लोग तो रुके रहेंगे। देखिए इधर से इनको भी खोल दिया गया है, उनको भी खोल दिया गया है, लोग आपस में टकराएंगे और जाम होना तय है। अब आप ही बताइए, इधर दिखाइए,
उधर भी आने को बोल दिया गया, इधर से भी जाने को बोल दिया, तो जाम इसीलिए लगता है। और यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी के लोग मौजूद है, उसके बाद भी जाम लगना कहाँ तक सही है? गाड़ियाँ तो रहेंगी, रोड पर गाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो कबूतरे तो चलेंगी नहीं, देखते हैं। और इस प्रकार जाम ही लगेंगे जी। इधर वाला इधर से आता है, उधर वाला उधर से। अच्छा, इधर वाले को भी छोड़ दिए, उधर वाले को भी छोड़ दिए, तो जाम उधर वाला इधर से आ जाइए। इधर वाला इधर से जाता है, उधर वाले को तब तक रोके रहिए जब तक इधर की पूरी गाड़ियां नहीं चली जाती। उधर से आता है ना टाउन से, टाउन से उधर से आता है तो ऐसे निकलता है, ये वाला ऐसे निकलता है। अब देखिए इसी में से कोई बढ़ा देगा, और इधर आप लोग खोले हुए, इधर गाड़ियां रुक नहीं रही है, इधर दिखाइए, इधर की गाड़ियां खोल दी गई, उधर रुक नहीं रही है। जाम तो लगेगा भैया, जाम तो लगेगा। ये बिहार है और हमारा प्रयास है कि जाम नहीं लगे। बहुत दिक्कतें होती हैं, एम्बुलेंस फंस जाता है, एम्बुलेंस हम लोग देखते रहते हैं। ये देखिए इसको, ये लड़का हीरो बना जा रहा है। अब ये यहाँ पे जाकर रोके हुए हैं। अब दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, बीच में इन लोगों को फंसा कर रख दिया गया है। ना ये लोग पीछे रुके हैं, ना क्रॉस कर पाए हैं। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग बीच में फंसने के लिए तो आए नहीं है। या तो इनको पार करवाया जाए, या तो इनको उधर ही रोका जाए। अभी देखिए गाड़ियाँ धराधर जा रही है, धराधर। पहले आप जब हम आए थे तो यहाँ पे चारों तरफ जाम लगा हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आप देखिए किस प्रकार मैनेजमेंट धीरे धीरे सही हो रही है। उधर रोका जा रहा है, उधर रोका जा रहा है। और देखिए अब उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, ऑटो वाला बीच में फंसा हुआ है। आइए थोड़ा सा चलते हैं ऑटो वाले के पास, आइए आइए। ये साइकिल वाले बाबा बीच में, अब देखिए ये बीच में घुसा रहा है, ये बीच में अपने मन से घुसा रहा है। पुलिस वाला कोई नहीं है यहाँ पे रोकने वाला। जाम के पीछे दिखाइए कितना लंबा जाम, ये पासवान चौक है, और पासवान चौक से रामाशीष चौक तक का जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे चार चार पाँच पाँच छः छः पुलिस वाले मौजूद है, उसके बाद भी इनसे नहीं संभल रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब मैं यहाँ पे आया था साथियों, मैं बता दूँ ये तीनों चारों खड़े थे, और मेरे आने के बाद इन्हें लगा कि नहीं भैया अब हम कैमरे पे आ रहे हैं, लोग सवाल पूछेंगे, तब जाकर ये एक्टिव हुए हैं। फिर भी पता नहीं जाम क्यों लगता है, सड़कें आगे खाली रहती है, ट्रक वाले धीरे धीरे कछुए के चाल में चलते हैं, इसीलिए जाम लगती है। भैया ट्रक वालों को एक साइड चलने के लिए बोल दिया जाएगा तो जाम नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ दूसरे साइड से तो चलेंगी, ये ट्रक वाले जो है दोनों साइड चलेंगे। अब देखिए ये पुलिस वाले हाथ दे रहे हैं, लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं, अपने मन से इधर उधर किए जा रहे हैं। लग रहा है जब हम नहीं रहते हैं तो ये लोग अपने मन से इधर उधर चले जाते हैं, और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये लोग जा रहे हैं, ट्रक इधर आ रही है। अब इधर इधर दिखाइए, इधर इधर, ये लोग कैसे बीच से ही चले जा रहे हैं। उधर दिखाइए, इन लोगों को फिर से बीच में रोक दिया गया है, और इधर ट्रक वाले जा रहे हैं। ट्रक के बीच में कब कौन गाड़ी घुस जाएगी यह पता नहीं चलेगा, तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे दिक्कतें। और इधर अगर ये लोग जिस प्रकार इतने मेहनत से अगर ये लोग काम कर रहे हैं ना, अगर देखिए उधर से गाड़ियों को छोड़ी गया, छोड़ा गया, और इधर से बाइक वाले आ गए, ऐसे में तो अब क्या होगा, जाम ही लगेगा। ट्रक वाले को भी रुकना ही पड़ेगा, रौंद कर तो जाएंगे नहीं, तो जाम लगेगा ही। और हम चाहते हैं कि जाम नहीं लगे, जाम मुक्त हो, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने जब पटना पुल का दोनों लेन शुरू कर दिया है, उसके बाद सिर्फ रामाशीष चौक से पासवान चौक और जरुआ तक का जाम आखिर क्यों सहन करेगी इस रोड पे चलने वाले। आम लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए बनी है क्या? यहाँ पे अगर ये लोग बिना हेलमेट के जाएंगे तो प्रशासन चालान काट देगी, एक्सीडेंट होगा तुरंत पहुँचेगी और कैप्चर कर लेगी गाड़ी, और लोगों से पैसे लेंगी या फिर जो भी। देखिए उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, गाड़ी पीछे से ट्रक वाले इतने स्पीड में आ रहे हैं जैसे कि एक्सप्रेसवे है, ये रुकना ही नहीं चाह रहे थे। जब पुलिस वाले आगे बढ़े तब जाकर वो रुके, तो दिखा सकते हैं लापरवाही किस प्रकार हाजीपुर के शहरों में लापरवाहियाँ होती है, यह देखने की चीज़ है। पुलिस वालों की भी बात नहीं मानते हैं गाड़ी वाले, तो लापरवाहियाँ होंगी तो इस प्रकार जाम रहेंगी। और जाम मुक्त इधर दिखाइए, लोग अगर पुलिस वाले की बात मानने लगे तब जाकर जो है जाम से मुक्त हो पाएगा अपना बिहार। और जब जब पुलिस को भी एक्टिव रहना होगा, नहीं तो लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, पुलिस एक्टिव नहीं रहेगी, लोग बात नहीं मानेंगे, तो ये जाम लगना तय है, तय है, तय है।